स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम HAL और बे सिस्टम्स के एडवांस्ड हॉक या कॉम्बैट हॉक को जानेंगे। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें। प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है एडवांस्ड हॉक, एक बेस सिस्टम्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की मिलके की गई एक कोशिश, जिसने प्रूवन हॉक जेट ट्रेनर को और ज्यादा केपेबल एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म बना दिया है, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में बहुत नजदीक है उन रियल और सिंथेटिक फाइटर्स के जिनके लिए ये पायलट्स को ट्रेन करता है। ये 50-50 कमर्शियल प्रोजेक्ट, जिसे की दोनों कंपनीज ने इंटरनली फंड किया है 24 मंथ्स में, इसने एक सिंगल डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट पैदा किया है, जो कि पहली बार 14 फरवरी को एरो इंडिया शो में रिवील किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की बे सिस्टम्स और HAL दोनों मिलकर मार्केटिंग करेंगे पहले कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स को पूरी दुनिया में, कम से कम 300 एयर फ्रेम्स के लिए अगले 10 सालों में। सारे या ज्यादातर ये एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाए जाएंगे और इंडिया से ही एक्सपोर्ट किए जाएंगे, कई इंडियन टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स के साथ। एडवांस्ड हॉक में बहुत जरूरी चेंजेस किए गए हैं, जैसे एडवांस्ड हॉक में HAL ने एयरक्राफ्ट के विंग में ट्विक्स किए हैं। इसमें एक एक्टिव स्लैट, लीडिंग एज और एक अपग्रेडेड कॉम्बैट ऐड किया गया है, जो स्पेक्ट्रम के अक्रॉस ज्यादा फ्लाइंग एनवेलप ऐड करता है, और चेंजेस स्क्रीन पे दिए गए स्कीमेटिक में डिटेल्ड दिए गए हैं, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्रीज्ड इंजन थ्रस्ट, एक स्मार्ट वेपन्स कैपेबिलिटी। शायद इसीलिए HAL ने इसे कॉम्बैट हॉक का नाम दिया है। एयर रिफ्यूलिंग और एक ब्रांड न्यू पैनोरामिक मल्टी डिस्प्ले सेंटर्ड ग्लास कॉकपिट। इंडियन मिलिट्री 123 हॉक मार्क 132 जेट्स ऑपरेट करती है, जो पायलट्स को स्टेज 3 ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जो उन्हें ऑपरेशनल फाइटर्स जैसे मिराज 200, सुखोई 30 MKI, मिग 29 या जैगवार की तरफ प्रोग्रेस करती है। हम आपके लिए एडवांस्ड हॉक को ब्रेक डाउन करते हैं कुछ पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है, जो एयर फ्रेम एडवांस्ड हॉक को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए यूज किया गया है, वो उन दो एयरक्राफ्ट्स में से एक का है जो बे सिस्टम्स के पास हैं। इस प्लेटफॉर्म में इंजीनियरिंग चेंजेस डायरेक्टली किए गए थे यूके में बे के द्वारा। इस एयरक्राफ्ट को बाद में येलहंका में लाया गया, जहाँ पर ये पहली बार उड़ेगा एरो इंडिया शो में। सेकेंड पॉइंट, बे और HAL एडवांस्ड हॉक की डिमांड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ नए कस्टमर्स में बल्कि पुराने ऑपरेटर्स में भी। इंडिया, जो कि दुनिया में हॉक के सबसे बड़े ऑपरेटर्स में से एक है, उसे बे और HAL की तरफ से ब्रीफिंग्स मिलनी शुरू हो गई हैं कि इस एयरक्राफ्ट के फ्यूचर ट्रेनिंग में इंसर्ट करने के ऊपर इसकी प्रिंसिपल एडवांटेजेस है कि जो मैंडेटरी फ्लाइंग ट्रेनिंग फ्रंट लाइन फाइटर्स पर होती है, वो एडवांस्ड हॉक पर होगी, जिससे कॉस्ट बचेंगी और दूसरे फाइटर्स ऑपरेशनल टास्क के लिए फ्री हो जाएंगे, जिससे कि उनकी ऑपरेशनल लाइफ बढ़ेगी। बे ऑफिशियल्स ने कहा कि एक इंटरनल स्टडी ने बताया कि तकरीबन 30% करंट फ्रंटलाइन ट्रेनिंग जो इंडियन एयरफोर्स करती है, सस्ते एडवांस्ड हॉक पर की जा सकती है। हॉक इंडिया एट बे के हेड डेव कॉरफील्ड ने कहा कि ये ऐसा है कि जैसे एक मिनी और फॉर्मूला कार के बीच में एक फरारी को डाल दिया जाए। रॉयल एयरफोर्स के हॉक मार्क 128 F-35 की सेंसर एनवायरनमेंट को स्टिमुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एडवांस्ड हॉक कर सकता है। पॉइंट 3, एक एक्सपेंडेड फ्लाइंग एनवेलप के अलावा, जो कि हाई परफॉर्मेंस फाइटर्स की फ्लाइंग क्वालिटीज को मिरर करता है, एडवांस्ड हॉक की पिच का एक बड़ा हिस्सा इसके सिंथेटिक फाइटर एनवायरनमेंट है, जो यह सिमुलेट करता है फ्रंटलाइन सेंसर्स और वेपन्स के लिए। एयर चीफ मार्शल सर ग्लेन ट्रॉफी, जिन्होंने हॉक मार्क 1 के ऊपर ट्रेन किया है, उन्होंने नए जनरेशन हॉक्स द्वारा अफोर्ड की गई सिंथेटिक एनवायरनमेंट में उड़ान भरी है। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा कदम है, पायलट्स को पता ही नहीं चलता कि उनके पास एक असली रडार नहीं है, ये बहुत असली है। पॉइंट 4, इंडिया के लिए ज्यादा जरूरी ये है कि HAL और बे का ये एफर्ट मेक इन इंडिया थ्रस्ट में प्लग होने के लिए सीख करता है, जो कि इसे लाइकली बनाता है कि इस प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट का मतलब होगा कि इंडिया में ज्यादा जॉब्स आएंगी और ये पहले से ही मौजूद इंडियन सप्लाई चेन के बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। इसलिए एडवांस्ड हॉक पहले से ही मौजूद बेंगलुरु में हॉक प्रोडक्शन लाइन का इस्तेमाल करेगी प्रोडक्शन के लिए। पॉइंट 5, HAL जिसने अनऑफिशियली इस एफर्ट को कॉम्बैट हॉक का नाम दिया है, एक वजह के कारण दिया है। एडवांस्ड हॉक पहला हॉक प्लेटफॉर्म है एक स्पेसिफिक
कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ जो इसकी फ्रंट लाइन वेपनरी को सिमुलेट करने के साथ इससे एक कॉम्बैट फोर्स मल्टीप्लायर भी बनाता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ आने के कारण बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज इसे एक कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के तरह से देख सकती हैं एयर सपोर्ट के लिए और ज्यादा रोल्स के लिए। पॉइंट 6, एडवांस्ड हॉक में इंडियन कंट्रीब्यूशन टेंजिबल है। ये उन सो कॉल्ड जॉइंट प्रोग्राम से कहीं ज्यादा है। HAL के द्वारा किए गए विंग रीडिजाइन के अलावा ये न्यू प्लेटफॉर्म LCA तेजस के स्लैट एक्टिवेशन सिस्टम को भी सपोर्ट करेगा। एडवांस्ड हॉक ऑप्शंस ऑफर करेगा एक इंडियन मिशन कंप्यूटर सिक्योर कॉम्स डाटा लिंक और काउंटर मेजर सिस्टम्स की। पॉइंट 7, पहले हॉक कस्टमर्स को अपॉर्चुनिटी ऑफर की जाएगी प्रोग्राम में से अपग्रेड मॉड्यूल्स चूज करने की, जहां वो सिंपली अपनी फ्लीट्स को एडवांस्ड हॉक स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर सकेंगे। कस्टमर पर डिपेंड करते हुए बे और HAL ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि ऐसी अपग्रेड्स कहां पर होंगी। डेमोंस्ट्रेशन एयर फ्रेम के अलावा बेस सिस्टम्स एडवांस्ड हॉक का एक फुल मिशन सिमुलेटर को एरो इंडिया में लेके आएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्लीज आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।